मोनोटोन सिटी पढ़ना है ना, टेंजेंट नॉर्मल तो हो गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोटोनो सिटी, मोनोटोनो सिटी। If a function is either increasing or decreasing in its entire domain, entire means complete domain, if function या तो केवल इंक्रीज कर रहा हो या केवल डिक्रीज कर रहा हो, देन फंक्शन विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। तो फंक्शन को क्या कहते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल बिहेवियर हो, आइदर इंक्रीजिंग बिहेवियर हो और डिक्रीजिंग, दोनों ही बिहेवियर मोनोटोनिक बिहेवियर है। For example, fx is equal to e raised to the power x. कैसा होता है? Increasing है, increasing, monotonic, ठीक है? तो ये कैसा है? Monotonic. ln x इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिक। कंप्लीट डोमेन में आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इफ अ फंक्शन इंक्रीजेस as well as decreases, increases as well as decreases, then it is called non-monotonic. तो उसे क्या कहेंगे? Non-monotonic function. वो monotonic नहीं है. For example, sine x. sin x curve इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, ये माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर आपसे इंटरवल ये कह दें कि केवल इस इंटरवल में बात करो तो फंक्शन मोनोटोनिक होगा, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में मोनोटोनिक है, एक नेचर है। फिर पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू में भी एक ही नेचर है, दैट इज डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ये पूरा कंप्लीट इंटरवल लेंगे तो इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग नॉन मोनोटोनिक। और कहा जाएगा अगर ऐसे लिखा हो, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी, मतलब वो इंटरवल अलग करना है जिसमें इंक्रीजिंग है। तो यहाँ माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू इंक्रीजिंग, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू डिक्रीजिंग, अगेन थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू इंक्रीजिंग। इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी मतलब वो इंटरवल जिसमें नेचर एक हो, जिसमें इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो अब यहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही, तो ये बात करते हैं इस पे। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है? इंक्रीजिंग फंक्शन कहीं लिखा हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिखा हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या केवल इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा है, इनमें क्या डिफरेंस है इन लैंग्वेज में? सर सब सेम है, अकॉर्डिंग टू जेई सब सेम है, ठीक है? इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन तीनों वर्ड का एक ही मतलब है,
ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन इनकी। अ फंक्शन y is equal to fx is said to be strictly increasing in interval a to b if x1 greater than x2 implies that fx1 is greater than fx2। जब आप इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों तरफ लगा रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगी, या ऐसे दिया हुआ है fx1 greater than fx2 implies that x1 greater than x2 for every x1 x2 belongs to domain of f। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो, कैसा भी हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही ऑलवेज फॉर एवरी वैल्यू देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या है, जब हम इनइक्वालिटी साइन लगाते हैं, ठीक है, के दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएं या हटाएं, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती है। ये डिसकॉन्टिन्यूस में भी अप्लीकेबल है। आप जो है ये फंक्शन है, मान लीजिए इसे क्या कहेंगे आप, दिस इज इंक्रीजिंग, कोई भी लीजिए, ये x1 लिया, x2 लिया, तो fx1 greater than fx2। लेकिन ज्यादातर फंक्शन डेरिवेबल होते हैं और कॉन्टिन्यूस होते हैं। उन फंक्शंस में अगर हम बात करें फॉर डेरिवेबल फंक्शन fx, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए और इजी वे है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, डिफरेंशिएट कर लीजिए, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी हो सकता है एक दो पॉइंट पर, लेकिन एक इंटरवल में इक्वल टू नहीं आना चाहिए। किसी एक पॉइंट पे इक्वल टू है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको लिख लेंगे, देन एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, strictly increasing function f dash x greater than or equal to 0, yahan likh le note mein, equality matlab f dash x barabar 0, that is f dash x is equal to 0 may hold for some x not making an interval, जिनसे कोई इंटरवल नहीं बनता, केवल एक एक्स हो सकता है, दो एक्स हो सकते हैं, लेकिन कोई एक इंटरवल नहीं बनना चाहिए। एक इंटरवल बन जाएगा तो वहां कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ग्राफ हम सभी को पता है ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ऐसा ग्राफ होता है। जो पहली डेफिनेशन थी fx1 greater than fx2 then x1 greater than x2, देखिए हर पॉइंट पे एप्लीकेबल है, तो ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसे डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे तो f(x) कितना आएगा, 3x square, और x square की वैल्यू 0 पे तो 0 होगी, तो ये f(x) greater than or equal to 0 है। इक्वालिटी एक पॉइंट पे आ रही है केवल, जीरो पर, तो एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोनोटोनिक बिहेवियर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला याद कीजिए, होता है लिमिट एच अप्रोचेस टूवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। f of x plus h minus f of x upon h, ये होता है? Yes sir। अब देखिए ग्राफ, अगर मैं देखूं fx का एक, ये fx का ग्राफ है,
यहाँ कोई पॉइंट मैंने लिया है x, ये x प्लस एच, एच अगर ग्रेटर देन जीरो लिया आपने, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो x प्लस एच पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू x पर जो वैल्यू होगी उससे ग्रेटर होगी, तो मतलब न्यूमरेटर क्या हुआ पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर एच ग्रेटर देन जीरो लिया है तो पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आई ग्रेटर देन जीरो, ये है। और जैसा बताया इक्वालिटी, किसी एक पॉइंट पे अगर होल्ड कर रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट समझने में? ये था फर्स्ट वन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से सेकंड है डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑल्सो नोन एज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, वेरी सिमिलर वन है। इफ एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू देन एफ एक्स वन विल बी लेस देन एफ एक्स टू, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है, या अगर ये दिया है तो हटाएंगे तो एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू आ जाएगा, फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन में कोई भी वैल्यूज हो उनके लिए होल्ड कर रहा हूं। देन एफ इज क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन, यही डेरिवेबल फंक्शन होगा, तो फॉर डेरिवेबल फंक्शन के लिए आपके पास सबसे आसान तरीका क्या है, डेरिवेटिव देखो, एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, then f is decreasing, again equality may hold, equal to कब हो सकता है किसी भी एक पॉइंट पर, तो ये है increasing function and decreasing function। next है non decreasing function, non decreasing का क्या मतलब है, non decreasing means which is not decreasing, जो किसी भी पॉइंट पर डिक्रीज ना करे, या तो इंक्रीज करे या फिर कांस्टेंट, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह का फंक्शन। ग्राफिकली देखें इंक्रीजिंग भी ये इसका पार्ट ही है, अब इंक्रीजिंग जो है वो क्या है, डिक्रीज तो हो नहीं रहा, या केवल कांस्टेंट हो तो वो भी डिक्रीज नहीं हो रहा, ये भी चलेगा, ये कांस्टेंट है, लेकिन इस वर्ड को इन जनरल हम इसके लिए यूज ज्यादा करते हैं कि इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कहीं नहीं करना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग मीन्स डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, एक्स वन अगर ग्रेटर देन एक्स टू है तो एक्स वन एक्स टू आप कहां सेलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स वन एक्स टू यहां है अगर x1 greater than x2 तो fx1 क्या होगा greater than fx2 भी हो सकता है और equal भी आ सकता है, for x1 x2 belongs to domain of, जैसा वहां पर equality नहीं थी, देखिए अगर आप increasing में देखेंगे तो यहाँ equality नहीं है, differentiation में equality है लेकिन यहाँ equality का नहीं है, सही देखिए ना, x1 greater than x2 fx1 greater than fx2 है, लेकिन यहाँ greater than और equality आ जाएगी non decreasing में, और for derivable function if f dash x is greater than or equal to zero, then f is non decreasing, f is non decreasing, एफ नॉन डिक्रीजिंग है। अच्छा ये भी ध्यान रखें यहाँ पर जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी में होल्ड इवन फॉर एन इंटरवल, एक इंटरवल में भी इक्वालिटी हो सकती है, मतलब एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है, नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। फोर्थ
वेरी सिमिलर वे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन आप लिख सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग क्या होगा, विच आर नॉट इंक्रीजिंग, जो इंक्रीज नहीं होते, या तो डिक्रीज हो रहे हैं या फिर कांस्टेंट है, या फिर डिक्रीज करे, कांस्टेंट हो फिर डिक्रीज करे, इफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू देन एफ एक्स वन विल बी लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स टू। अब ठीक वैसे ही नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा, फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। डेरिवेबल में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इफ एफ डैस एक्स इज लेस देन आर इक्वलिटी इक्वल टू जीरो, इक्वलिटी में होल्ड इन एन इंटरवल देन एफ इज नॉन इंक्रीजिंग, तो नॉन इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट। नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये वर्ड भी कभी कभी आते हैं, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, वैसे तो मैक्सिमम टाइम्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही होता आता है, फिफ्थ वर्ड है नॉन इंक्रीजिंग एज वेल एज नॉन डिक्रीजिंग, ऐसा लिख दें तो क्या करेंगे, एज वेल एज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग एज वेल एज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा कहीं लिखा हो, मतलब ना तो इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग, मीन्स फंक्शन मस्ट बी कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। That is, उस केस में f dash x will be zero. जो इंक्रीज भी नहीं करे डिक्रीज भी नहीं करे तो वो हमेशा क्या रहेगा, तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये बेसिक पॉइंट्स हैं कुछ, अब इसमें देखिए और पॉइंट। मोनोटोनोसिटी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? वैसे जो मोनोटोनिक नेचर है वो एक इंटरवल में होता है, यहां से यहां तक इंक्रीज किया, एक इंटरवल ए से बी में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक पॉइंट पर अगर आपसे बोला जाए कि पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो इसको देखें, इफ एफ एक्स इंक्रीजेस फॉर एक्स लेस देन ए एंड इंक्रीजेस फॉर एक्स ग्रेटर देन ए एंड कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ एक्स इंक्रीजेस एट एक्स इक्वल टू ए। यहां मान लीजिए ए के पहले भी इंक्रीज करता है फंक्शन, ए के बाद भी इंक्रीज करता है, और ए पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कहेंगे, ए पर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये रिवर्स भी है, इफ एफ एक्स डिक्रीजेस फॉर एक्स लेस देन ए एंड एक्स ग्रेटर देन ए एंड कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन
वी विल से एफ एक्स डिक्रीजेस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो क्या कहेंगे, फंक्शन डिक्रीजिंग है ए पर, दोनों तरफ से अगर डिक्रीज कर रहा है, इधर भी डिक्रीज किया और इसके बाद भी डिक्रीज किया और यहां कंटिन्यूअस है, तो वी विल से दैट ए द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब अगर डिसकॉन्टिन्यूअस में बात करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर किसी पॉइंट ए पर इंक्रीजिंग है, तो आपको ऐसे देखना है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, वेयर एच इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो and greater than zero, positive quantity, then f is increasing at x is equal to, देखिए क्या है इसका मतलब, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है लगातार, कैसे, यहाँ डिसकॉन्टिन्यूस बनाते हैं, ऐसे है मान लीजिए a पर ये है पॉइंट, ये है f है, a से पहले यहां हुआ a माइनस एच पर ये वैल्यू हो गई एफ ऑफ ए माइनस एच, ए प्लस एच पर ये वैल्यू हो गई एफ ऑफ ए प्लस एच। अब आप देखिए, आप देखिए a के जस्ट लेफ्ट से जब a की तरफ आप बढ़ रहे हो तो वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, फिर a से a के राइट में गए फिर इंक्रीज हुई, तो वैल्यू क्या कहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a, जब रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a, नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे, वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस में फंक्शंस डेरिवेबल होगा तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और उससे मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी एंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स एंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी, मतलब वो इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और वो इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बनाइए इसे, क्वेश्चन नंबर वन, डेरिवेबल फंक्शन है, डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए कि किस इंटरवल में वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और किस इंटरवल में वैल्यू लेस देन जीरो। जीरो से टू में इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे, एफ डैश एक्स प्रोडक्ट टू लगेगा, टू एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का माइनस वन, यहां से एक्स इंटू ई पावर एक्स कॉमन लो या माइनस भी कॉमन ले सकते हो, माइनस टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू ई पावर माइनस एक्स, ऐसा बन जाएगा। अब इसका एफ डैश एक्स का साइन देखो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है हमेशा, एक्स इंटू एक्स माइनस टू किस किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, जीरो के लिए और टू के लिए,
इसके राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ बाहर लगाया माइनस, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव, फिर होगा पॉजिटिव और फिर निगेटिव, और जहां एफ डैश एक्स, ये है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और जिधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो एफ इंक्रीजेस इन ओपन इंटरवल 0 to 2 एंड एफ डिक्रीजेस इन माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 2 to infinity. अच्छा, मैंने यहाँ ओपन इंटरवल लगाया है 0 पे 2 पे, हर जगह ओपन इंटरवल लगाना चाहिए या क्लोज इंटरवल लगाना चाहिए, कोई बताना चाहेगा? ओपन ही आएगा सर, ओपन ही आएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो पे किसी पॉइंट पे, अभी आपको बताया था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब करते हैं, मिनिमा आ रहा है किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब करते हैं, जब दोनों तरफ इंक्रीज कर रहा हो तो उस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग होगा, जीरो पे इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन, इंक्लूड करने का मतलब है सर, जैसे 1 पे भी अगर इंक्रीज, मतलब कि जैसे 0 पे डिक्रीज कर रहा है तो अगर 1 पे भी डिक्रीज करता तो करते, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एल एन 1 - 4x. नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 2. इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी कैलकुलेट करना है, वैसे ही है, डिफरेंशिएट कीजिए और चेक कीजिए किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, हम कहाँ आएगा -3/4 और 1/4 से इनफिनिटी पे इंक्रीज, नहीं सर -3/4 देखिए सर, ठीक है देखते हैं क्या है. अरे ये बताओ, आपसे बोला जाए ln x -2 से -1 में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या बताओ? हाँ सर, ये सही कह रहा है कृष्ण भाई, ठीक है नहीं कर सकते, हाँ सर वो उसका डोमेन भी देखा जाएगा, ln x -2 से -1 में होता है क्या? नहीं होता, वहां तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही नहीं कर पाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ आता है? डोमेन में, ये भी ध्यान रखें, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो डोमेन में है, ln x का डोमेन ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, तो वहीं पे 0 से इंफिनिटी में ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, -2 से -1 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, समझ रहे? तो ऐसे ही पहले इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डोमेन कैलकुलेट करेंगे, तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, डोमेन आ गया -∞ से 1/4, ये डोमेन है. अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स कितना हुआ, एक्स का डेरिवेटिव 1, पहले 1 - 4x का 1/1 - 4x और 1 - 4x का -4, एलसीएम लेंगे तो 1 - 4x - 4 आ गया -3 - 4x / 1 - 4x, दैट इज 4x + 3/4x - 1. अब रियल नंबर लाइन पे देखिए, ये कहाँ 0 हो रहा है, -3/4 1/4, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन डोमेन ध्यान रहे क्या है, 1/4 से लेस, तो इधर वाला पार्ट नहीं ले सकते, केवल इधर का पार्ट ले सकते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप सिंपली इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे 1/x आएगा, लेकिन x नेगेटिव है तो ln x डिफाइंड है नहीं, तो वहां नहीं देखना है, केवल अपने डोमेन में देखें, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 f'x, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन इंक्रीजिंग, देयरफॉर f इंक्रीजेस इन -∞ टू -3/4 एंड डिक्रीजेस इन
माइनस थ्री बाई फोर टू वन बाई फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखेंगे, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। इसमें भी यही निकालना है, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। सर ओपन जीरो से ई में डिक्रीजिंग और ई से इनफिनिटी में इंक्रीजिंग। ठीक है, देखिए डोमेन इसका भी कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स वन के बराबर भी नहीं, तो डोमेन इसका जीरो से वन है, यूनियन वन से इनफिनिटी है। ठीक है ना, अब डिफ्रेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स एल एन एक्स का स्क्वायर एल एन स्क्वायर एक्स, यहाँ आएगा एल एन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स इंटू एल एन एक्स का वन बाई एक्स, एक्स कैंसिल, तो ये आ गया एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में एल एन एक्स वन कब होगा जब एक्स ई होगा, ई से ग्रेटर होते ही वैल्यू पॉजिटिव, ई से लेस में निगेटिव। डोमेन और देख लीजिए तो ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ जीरो और वन के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे f decreases in 0 to 1 union 1 to e, 1 domain में नहीं, and increases in e to infinity। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन लिखिए फोर्थ, find interval of monotonicity for the function fx बराबर 3 cos x power 4 plus 10 cos cube x प्लस सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इन इंटरवल जीरो टू फाइव। इन इंटरवल जीरो टू फाइव बनाइए इसे। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी कैलकुलेट करना है इसमें भी। फिर से डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स क्या डेरिवेटिव होगा इसका? 0 से पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 से पाई में डिक्रीजिंग और पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 में इंक्रीजिंग। देखते हैं आंसर, ठीक नहीं लग रहा है, सही नहीं है। 12 cos cube x into cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इसका है 30 cos cube cos square x into cos x का माइनस sin x, नेक्स्ट है 12 cos x into cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। क्या कॉमन होगा इसमें से? माइनस 6 sin x cos x कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा 2 cos square x प्लस 5 cos x प्लस 2 माइनस 6 sin x cos x, ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्या लिखोगे इसका फैक्टर? 2 cos x plus 1 into cos x plus 2, ये है ना, देख लीजिए ये आ रहा है डेरिवेटिव। 0 से पाई इंटरवल में चाहिए, ये 0 से पाई में ये हमेशा पॉजिटिव, cos x plus 2, sin x ऑलवेज पॉजिटिव, cos x into 2 cos x plus 1 का साइन चेंज होगा, cos x
का अगर हम साइन की बात करें, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो आप। पहले कॉस एक्स का साइन देख लो, जीरो से पाई बाय टू में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है और सेकंड में निगेटिव होता है। अब देखते हैं दूसरा साइन, साइन ऑफ टू इंटू कॉस एक्स प्लस वन, इसका साइन देखो जीरो से पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा। टू कॉस एक्स प्लस वन जीरो कहाँ होगा, जहाँ कॉस एक्स माइनस वन बाई टू होगा। माइनस वन बाई टू कहाँ पर होगा, टू पाई बाई थ्री पर। तो टू पाई बाई थ्री तक ये पॉजिटिव रहेगा और टू पाई बाई थ्री के बाद जब जैसे ये माइनस वन बाई टू से कम होगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और एफ डैश एक्स का साइन लिखना है। अब देखिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स में लिख रहा हूँ, वो जो पॉइंट यहाँ बने तो वो पॉइंट यहाँ बना लीजिए, जीरो पाई बाई टू, टू पाई बाई थ्री पाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज, अब आ रही। तो देखिए पाई बाई टू से टू पाई बाई थ्री में एक निगेटिव है, प्रोडक्ट हो गया निगेटिव, बाहर लगा है माइनस, तो वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव, ये आई ना। और ऐसे टू पाई बाई थ्री से पाई में दो निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, बाहर लगा है लेकिन माइनस, तो हो गया निगेटिव। तो एफ डैश एक्स का साइन आ गया हमारे पास, और जैसे ही एफ डैश एक्स का साइन आया तो हम बता सकते हैं कहाँ इंक्रीजिंग हो कहाँ डिक्रीजिंग। तो एफ डिक्रीजेस इन जीरो से पाई बाई टू यूनियन टू पाई बाई थ्री टू पाई एंड इंक्रीजेस इन पाई बाई टू 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 पाई बाई थ्री, ये आंसर है सर। हाँ बोलो बेटा। क्यों सिंपली देखो डिफरेंशिएट किया है हमने, डिफरेंशिएट किया ना सर, साइन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स समझ रहा था सर, वो नहीं आया। देखो पहले क्या किया, डिफरेंशिएट किया, स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप सुनो। पहला स्टेप डिफरेंशिएट किया, जो कॉमन था कॉमन लिया, इसे फैक्टराइज कर लिया। हमने देखा ये साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस टू तो पॉजिटिव है हमेशा, इन दोनों का साइन हमने देखा कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, अलग अलग देखा, कॉस एक्स को देख लिया, टू कॉस एक्स प्लस वन को देख लिया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश एक्स का साइन आएगा। अब हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो जीरो से पाई बाई टू में देखो सारे पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, बाहर लगाया माइनस तो निगेटिव, यही तो है। बताओ क्या नहीं इसमें समझ में आ रहा है, पहले जीरो से पाई बाई टू की बात करो, बोलो जीरो से पाई बाई टू आया समझ में? यस सर। अब बात करो पाई बाई टू से टू पाई बाई थ्री, पाई बाई टू से टू पाई बाई थ्री में ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पाई बाई टू से टू पाई बाई थ्री में कॉस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया निगेटिव, पॉजिटिव इनटू निगेटिव, निगेटिव बाहर लगाया माइनस, क्या हुआ पॉजिटिव आया पाई बाई टू से टू पाई बाई थ्री पॉजिटिव। बताइए टू पाई बाई थ्री से पाई दो निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, बाहर लगाया माइनस, निगेटिव हुआ सर। आ गया सर, वो माइनस की गलती समझ में आ गई सर। जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है वहां इंक्रीजिंग और जहां निगेटिव वहां डिक्रीजिंग, ये लिखा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस टू इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ए एक्स माइनस वन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग और इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिखें। देन फाइंड a, a की वैल्यू कैलकुलेट करें। नोट करी बनाई से क्वेश्चन नंबर 5,
सर फिर माइनस इनफिनिटी से माइनस यूनियन जीरो से इनफिनिटी सर कुछ गड़बड़ बता रहे हो ऑलवेज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है फंक्शन डेरिवेबल है पॉलीनोमियल फंक्शन है डिफरेंशिएट किया आपने f' x कितना आ गया 3 into a plus 2 into x square minus 6ax plus 9a क्या लिखोगे लेस देन 0 इक्वालिटी भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है एक ही जगह तो 0 होगा क्वाड्रेटिक या एक या दो पॉइंट पे क्वाड्रेटिक करो 3 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया a plus 2 into x square माइनस टू ए एक्स प्लस थ्री ए ग्रेट लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज लेस देन जीरो हो तो क्या कंडीशन होती है ए लेस देन जीरो एंड डी इज ऑल्सो लेस देन जीरो डी क्या हुआ यहाँ से ए लेस देन माइनस टू हुआ यहाँ से और डी यहाँ से आ रहा है बी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए प्लस टू इंटू थ्री ए लेस देन जीरो फोर कैंसिल यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर सॉरी माइनस टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए लेस देन जीरो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर लाइन से क्या आ गया a less than minus 3 or greater than 0 लेकिन इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कॉमन वैल्यू a minus 2 से छोटा है और यहाँ क्या है minus 3 से छोटा है या 0 से बड़ा है कॉमन वैल्यू क्या होगी बताइए कॉमन वैल्यू है minus infinity से minus 3 ये आंसर है अच्छा इक्वालिटी भी थी इक्वालिटी का भी ध्यान रखिए यहाँ इक्वल टू था इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू तो minus infinity से minus 3 minus 3 पर आएगा क्लोज इंटरवल इस बात का ध्यान अब बताइए कोई डाउट है किसी पॉइंट में क्वेश्चन फाइव सिक्स प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री एक्स पावर नाइन माइनस एक्स पावर सिक्स प्लस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इज ऑलवेज इंक्रीजिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स सर एक मिनट ऊपर करना ठीक है यस सर एक मिनट हाँ सर ठीक है कर लो नीचे प्लीज इसको इस प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग क्या करेंगे इसके लिए डिफरेंशिएट करते हैं इसका डेरिवेटिव कितना होगा 9 एक 3 से कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा 6x पावर 8 माइनस 6x पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इसे आपको
देखना है ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, सिक्स तो कॉमन हो जाएगा, एक्स पावर एट माइनस एक्स पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसको देखें, इसमें आपको केसेस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट केस, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स निगेटिव होगा, एक्स निगेटिव होगा तो एक्स पावर एट माइनस एक्स पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसा लिखा। निगेटिव का इवन पावर हो गया पॉजिटिव, माइनस निगेटिव का ऑड पावर हुआ निगेटिव, तो निगेटिव अब निगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव, निगेटिव का इवन पावर ये आया पॉजिटिव, फिर निगेटिव आप निगेटिव ये भी हुआ पॉजिटिव प्लस वन, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स निगेटिव है तो ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। सेकेंड केस लेंगे एक्स पॉजिटिव में, पॉजिटिव में भी दो केस लेंगे क्योंकि डिग्री इंक्रीज करने से वैल्यू डिक्रीज करती है व्हेन एक्स इज बिटवीन जीरो एंड वन। तो एक केस लेंगे एक्स इज जीरो टू वन और दूसरा केस लेंगे एक्स इज ग्रेटर देन वन। नेक्स्ट लेंगे एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अब इस फर्स्ट में देखिए एफ डैश एक्स को ऐसे लिखेंगे सिक्स इंटू, ऐसे लिखिए एक्स पावर एट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फाइव। ये सेकेंड थर्ड टर्म को एक साथ लिखिए, फिर लास्ट के दो टर्म को एक साथ लिखिए वन माइनस एक्स। अब इसे आप जोर कीजिए, एक्स वन से लेस है तो वन माइनस एक्स क्या हुआ पॉजिटिव, एक्स वन से लेस है जीरो से वन में एक्स स्क्वायर एक्स पावर फाइव से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव, एक्स पावर एट पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या हुई ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन के केस को लिखिए, एफ डैश एक्स कितना है सिक्स, एक्स पावर एट माइनस एक्स पावर फाइव को एक ब्रैकेट में रखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक ब्रैकेट बनाइए प्लस वन अलग करिए। अब देखिए जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो डिग्री इंक्रीज करने से वैल्यू इंक्रीज करती है, तो एक्स पावर एट माइनस एक्स पावर फाइव पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉजिटिव होगा प्लस वन है, तो वैल्यू क्या हुई ग्रेटर देन जीरो। तो ये एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर एफ इंक्रीजेस फॉर ऑल एक्स। ये आंसर है, नोट करेंगे, बताएंगे कोई दिक्कत हो तो। सर ये सेकंड इंटरवल वाला कैसे लिया, जीरो से वन जब होता है एक्स तो डिग्री इंक्रीज करने से वैल्यू डिक्रीज करती है, जीरो से वन में एक्स स्क्वायर एक्स पावर फाइव से ग्रेटर होगा तो ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स जीरो से वन है तो वन माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। क्योंकि डिग्री का नेचर बदलता है वन पे, जीरो से वन में हो तो वैल्यू डिग्री इंक्रीज करने से वैल्यू इंक्रीज करती है वन से ग्रेटर हो तो, और जीरो से वन में डिग्री इंक्रीज करने से वैल्यू डिक्रीज करती है, तो वन पे नेचर चेंज हो रहा है तो इसलिए जीरो से वन का इंटरवल अलग लिया गया और ग्रेटर देन वन का इंटरवल अलग लिया गया। नोट कर लें, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। और किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट लिखेंगे इफ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग जीरो टू पाई बाय टू देन फाइंड रेंज ऑफ ए, सॉल्यूशन तो नहीं देखना है किसी को, ये है एफ डैश एक्स स्टार्टिंग से, अगला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर सेवन।
सर हाँ बताओ आंसर ग्रेटर देन जीरो सर डिफरेंशिएट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना कितना आएगा 3 sec² x प्लस 3f + 1 ln sec x का डेरिवेटिव क्या होता है tan x 1 sec x इनटू sec x tan x तो tan x आ जाएगा और प्लस a माइनस 3 ऐसा मिलेगा ये ग्रेटर देन जीरो है जीरो से पाई बाई टू इससे कि स्क्वायर एक्स को क्या लिख देते हैं 1 + tan² x तो 3 + 3 tan² x प्लस 3a + 1 इंटू टेन एक्स प्लस a माइनस 3 ये 3 से कैंसिल होगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा इक्वालिटी भी आ सकती है किसी वैल्यू के लिए किस इंटरवल के लिए जीरो से पाई बाई टू ये tan x में क्वाड्रेटिक है ग्रेटर देन जीरो है लेकिन फॉर एवरी tan x नहीं है tan x की वैल्यू कुछ भी हो tan x x 0 से पाई बाय 2 है tan x 0 से इंफिनिटी होगा तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि आप d लेस देन 0 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसे फैक्टराइज करेंगे इसे ऐसे लिखेंगे 3 tan² x इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा प्लस tan x प्लस 3a tan x प्लस a ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो इसमें से tan x कॉमन लेंगे 3 tan x + 1 इसमें से a कॉमन लेंगे 3 tan x + 1 तो फैक्टराइज जाएगा tan x प्लस a इनटू 3 tan x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो अब ये 3 tan x + 1 x 0 से पाई बाय 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप तो tan x प्लस a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा अब tan x की मिनिमम वैल्यू क्या है अगर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो बाकी वैल्यूज भी अपने आप ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे तो tan x की मिनिमम वैल्यू जब जीरो की तरफ जा रहा है तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है तो हम अगर यहाँ से ये कहें कि a अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए a अगर जीरो भी हुआ या जीरो से बड़ा हुआ तो भी ये tan x ग्रेटर देन जीरो ही होगा हमेशा तो यही आंसर है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आप देख लीजिए तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक नोट करिए ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का बताइए कोई डाउट है तो सर ये ए वाला दोबारा समझा दो लास्ट वाला स्टेप सर एक और चीज बता देना हां बोलो हां सर इसमें फैक्टराइजेशन क्यों करी थी और वो डी लेस देन 0 क्यों नहीं करा था डी लेस देन 0 कब करते हैं जब वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो तब ना ठीक अच्छा। है ठीक है हाँ समझ गई ना ये सभी x के लिए नहीं है केवल 0 से पाई बाय 2 उसमें तो tan x 0 से इंफिनिटी तक ही केवल होगा समझ रहे हो ठीक है सर तो ये है और दूसरा यहाँ पर बोल रहा है ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई थी तो tan x प्लस a ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो बाकी सारी वैल्यू उससे ग्रेटर ही होंगी मिनिमम लोएस्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी तो लोएस्ट हम देख रहे हैं tan x की लोएस्ट वैल्यू किधर जा सकती है इधर से 0 से पाई बाय 2 में 0 की तरफ तो उस समय लोएस्ट a की तरफ जा रही तो a अगर पॉजिटिव हो गया या 0 भी हो गया तो भी वैल्यू क्या होगी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी ऐसे ऑब्जर्व करना है इसे नोट कर लीजिए बताइए कोई दिक्कत है
क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं फिर. फाइंड के हर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस इंफिनिटी से वन जहां एक्स के एक्स इज इक्वल टू वन है. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स वन से इंफिनिटी है. फाइंड के फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू वन. हो गया. अब ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसको उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करिए. देखिए एक्स प्लस वन एक स्ट्रेट लाइन है. ग्राफ बनाएंगे तो वन पर वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच कर रही होगी, टू की तरफ. जीरो पर ये वैल्यू कितनी है, वन. ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक क्वाड्रेटिक है. इसका ग्राफ क्या बनाओगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर. तो वन पर वैल्यू फोर होती जो कि है नहीं, केवल ग्रेटर देन वन में बनाना है. ये पूरा क्वाड्रेटिक नहीं बनाना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, ये पार्ट नहीं बनाना, ये नहीं बनाना. अब इसको आप वन पे वैल्यू क्या है, k. अब ये जो वन पे वैल्यू k है वो अगर यहाँ हुई तो फंक्शन कैसा होगा बताओ, इंक्रीजिंग होगा. यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया फिर इंक्रीज किया. एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग का क्या मतलब बताया था, लेफ्ट से उस पॉइंट तक जाइए इंक्रीजिंग, फिर उस पॉइंट से आगे जाइए तो इंक्रीजिंग. तो k यहाँ से लेकर यहाँ टू से फोर के बीच में कहीं पे भी वैल्यू हो, टू पर हो तब भी इंक्रीजिंग है. यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया फिर इधर इंक्रीज कर रहा है, फोर है तब भी इंक्रीजिंग होगा. तो k की वैल्यू टू से फोर के बीच में कहीं भी आप ले लीजिए, इस पॉइंट वन पर फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा. यही आंसर है, k belongs to 2 to 4 closed interval. नोट करेंगे, बताएं कोई प्रॉब्लम हो, किसी को डाउट है तो. क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए.
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. Increases in minus infinite to 2, union 3 to 4, and decreases in 2 to 3, union 4 to infinity. And if f dash 0 is equal to 24, then find f dash 1. F dash 1 की वैल्यू कैलकुलेट करें. सर सिक्स सिक्स एफ डैश वन की वैल्यू सिक्स सही है. पॉलिनोमियल इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में और इसमें डिक्रीज कर रहा है. पॉलिनोमियल है तो फंक्शन डेरिवेबल है. मान लीजिए अगर वो फंक्शन एफ डैश एक्स है, एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा होगा? साइन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस इंफिनिटी से टू में ये निगेटिव होगा, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव होगा माइनस इनफाइनाइट से टू, और फिर थ्री से फोर में भी ये पॉजिटिव होगा. एफ डैश एक्स का साइन डिक्रीज कर रहा है टू से थ्री में, मतलब टू से थ्री में निगेटिव होगा और फोर से इन्फिनिटी में निगेटिव होगा. ऐसा है. अब आप देखिए एफ डैश एक्स का साइन इस तरह से चेंज हो रहा है. एफ डैश एक्स भी तो एक पॉलिनोमियल होगी डिग्री थ्री की, और यहाँ साइन चेंज हो रहा है, मतलब ये टू थ्री फोर इसके क्या है, रूट्स हैं. तो x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री इंटू x माइनस फोर ये फैक्टराइज हो रहा होगा, इंटू कुछ वैल्यू होगी a पॉजिटिव या नेगेटिव. नेगेटिव होगी जिससे साइन चेंज हो रहा है, वैसे प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस है, तो इसलिए एक वैल्यू निगेटिव आएगी. वो वैसे एक कंडीशन और दी है उससे आ जाएगा. क्वेश्चन दिया एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 24. यहाँ रखिए जीरो कितना आ गया, ए इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, कितना बना माइनस 24. डिवाइड किया तो ए की वैल्यू आ रही है माइनस वन, मतलब एफ डैश एक्स है माइनस टाइम्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर. ये है एफ डैश एक्स की वैल्यू. अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, एफ डैश वन, तो यहाँ वन रखेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री इसे मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया आंसर सिक्स. ये आंसर है. बताएं कोई भी प्रॉब्लम है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन लिखिए इसमें. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस सिक्स, वेयर एक्स इज 126. फॉर एक्स 126 ये एफ एक्स है एंड जी एक्स फंक्शन है, दैट इज मिनिमम ऑफ
एफ ऑफ टी फॉर वन लेस देन आर इक्वल टू टी लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड वन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस 18 फॉर एक्स ग्रेटर देन सिक्स देन विच आर फॉलोइंग द फॉलोइंग होल्ड आर होल्ड्स गुड वन आर मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं फर्स्ट ऑप्शन है जी एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन सेकेंड है जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स थर्ड ऑप्शन है जी एक्स is continuous and derivable at x is equal to 5 gx is monotonic in interval 1 to 5 note kariye aur is question ko banaiye तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लीजिए एफ डैश एक्स कितना है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 3 कॉमन लीजिए फैक्टराइज हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 पहले इसका मोनोटोनिक बिहेवियर देखिए तो 1 5 लिखेंगे प्लस माइनस और प्लस वैसे हमें इसका नेचर चाहिए 1 से 6 में के ऊपर तो 1 से 5 डिक्रीज कर रहा है फिर 5 से 6 इंक्रीज कर रहा है ये एफ एक्स का जो नेचर है अब क्वेश्चन लिखा है एफ टी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहां टी एक वेरिएबल है 1 से एक्स एफ टी लिखिए या एफ एक्स लिखिए फंक्शन क्या है मैं अगर यहाँ टी एक्सिस ले लेता हूँ ये वाई एक्सिस ले लेंगे तो वाई बराबर एफ टी बनेगा इसमें क्या कहा जाएगा 1 से 5 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और फिर 5 से 6 इंक्रीजिंग 1 से 5 तक डिक्रीज कर रहा है 5 से 6 इंक्रीज कर रहा है 1 पे वैल्यू क्या है 5 पे क्या है 6 पे क्या है वो वैल्यू रख कर निकाल सकते हैं नेचर अभी हमने केवल देखा 1 टू 5 डिक्रीजिंग है 5 से 6 इंक्रीजिंग अब क्वेश्चन में क्या कहा गया एफ टी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो जहाँ टी की वैल्यू 1 से एक्स तक है अच्छा अगर आपसे कहा जाता है जी टू कैलकुलेट करो यहाँ देखो अगर आपसे कहें जी टू कैलकुलेट करो तो यहाँ क्या रखोगे आप एक्स की जगह टू मतलब यहाँ पे रखोगे 1 2
तो टी की वैल्यू जब वन से टू तक होगी तो एफ टी की मिनिमम वैल्यू निकालनी। ऐसे अगर आपसे कहा जी थ्री बताओ तो टी की वैल्यू वन से थ्री होगी तो एफ टी की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इसी तरह से अगर हम एक्स की वैल्यू वन और फाइव के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लोगे, वन से एक्स तक, तो उसमें मिनिमम कहाँ पे है क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मिनिमम कहाँ आ जाएगा, एक्स पर ही। तो इस फंक्शन जी एक्स को डिफाइन करेंगे, जब एक्स की वैल्यू वन से फाइव तक होगी तो ये फंक्शन की एफ टी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्स पर एफ एक्स, और जब एक्स की वैल्यू फाइव से सिक्स तक होगी, अब यहां एक्स अगर कहीं ले रहे हैं तो टी की वैल्यू वन से एक्स तक लेनी है हमेशा। ऊपर वापस देखिए टी कहां से कहां तक है, वन से एक्स तक। एक्स जब फाइव से सिक्स भी ले रहे हैं तो उसमें वन से एक्स तक में मिनिमम कहां होगा, जब एक्स फाइव से ग्रेटर हो जाएगा तो मिनिमम फाइव पे आएगा, उस केस में मिनिमम वैल्यू है एफ फाइव। और ग्रेटर देन सिक्स के लिए फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है एक्स माइनस 18। मेन ये स्टेप है इस क्वेश्चन का, बताइए इसमें कोई डाउट हो तो ध्यान से समझ लीजिए। ये है, हाँ बोलो एफ ऑफ फाइव समझा दो सर, बाकी तो आ गया था एफ ऑफ फाइव। जब एक्स फाइव से सिक्स होगा तो एक्स की वैल्यू फाइव से सिक्स है तो उस समय हमें जी एक्स की वैल्यू लिखनी है। जी एक्स की वैल्यू है मिनिमम ऑफ एफ टी, और टी की वैल्यू वन से एक्स तक लेनी है। तो टी की वैल्यू जब हमने वन से लेकर एक्स इस वैल्यू तक ली, उस इस पूरे इंटरवल में मिनिमम कहाँ आया, फाइव पर। अब देखो वन से जब आप यहां तक ले रहे हो तो मिनिमम कहाँ आएगा, फाइव पर। तो उसके लिए लिखा है मिनिमम एफ फाइव। अब वैल्यू से रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6, ये है वन से फाइव। और एफ फाइव की वैल्यू कितनी है, इसमें फाइव रखो, फाइव रखोगे 225 माइनस 25 इंटू 125 माइनस 225 माइनस 100 प्लस 75 प्लस 6 माइनस 19। 5 से 6 में एफ फाइव की वैल्यू माइनस 19 आ रही, एक्स माइनस 18, एक्स ग्रेटर देन 6 में, ये आ गया जी एक्स। अब चेक करिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जी एक्स इस डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे तो क्या है फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन है, डेरिवेबल है, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड 6 पे डिसकंटीन्यूअस, 6 यहां रखेंगे माइनस 19 यहां रखेंगे माइनस 12, डिसकंटीन्यूअस। सेकंड ऑप्शन भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। थर्ड ऑप्शन कंटीन्यूअस एंड डेरिवेबल एट 5 पर देखिए, यहां रखेंगे 5 तो ये f5 ही तो आ रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 5 पर देखिए फैक्टराइज हो गया है f(x) x - 1 ये आएगा 5 पर, ये भी वैल्यू 0 और इसका डेरिवेटिव 0, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन मोनोटोनिक, 1 से 5 में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, देखिए यहाँ आया था ना 1 से 5, डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा, 1 से 5 में डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक है। ये सभी ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, नोट कर लीजिए और बताइए कोई भी डाउट है तो। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है बेटा, तो इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग।